सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अभी हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस तरीके से है कि अ फर्म हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, डिमांड फंक्शन, ठीक है, ये देखिए आपको सी है टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे क्यू आपको गिवन है। आपको क्या निकालना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। क्या निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो कैसे निकलेगा, देखिए टोटल रेवेन्यू गिवन है, सी गिवन है आपको, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालने के लिए एम आर इज इक्वल टू एम सी करना होगा, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। इससे आपका निकलेगा टोटल, सॉरी मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकलेगा। इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू के लिए दो चीजें चाहिए, फर्स्ट इज प्राइस, सेकेंड इज क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात करें प्राइस की, तो हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ये गिवन है Q इज इक्वल टू 100 माइनस P, ठीक है। तो देखिए अब हम ये माइनस P को इधर करेंगे, प्लस P इज इक्वल टू 100 माइनस Q, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करना होगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। प्राइस क्या है, 100 माइनस क्यू मल्टीप्लाई क्यू, मतलब कि 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल गया, टोटल रेवेन्यू निकल गया है। अब आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है टोटल रेवेन्यू। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सिंपल है, डी अपॉन डी क्यू। टोटल रेवेन्यू क्या आपका 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे होगा 100 माइनस 2Q, ये आपका क्या आया, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अब हमें निकालना मार्जिनल कॉस्ट, इसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा टोटल कॉस्ट को, ठीक है। आप करेंगे डी अपॉन डी क्यू। टोटल कॉस्ट क्या है, 1/3 Q का 3 माइनस 7Q² प्लस 111Q प्लस 50, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो देखिए इसको करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1/3 3Q का 2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 7Q² को तो क्या आएगा, 14Q, ठीक है। यहाँ पे देखिए 111Q है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, प्लस 111, ठीक है। इसका हो जाएगा 0, उसका हम लोग नहीं देख रहे, ठीक है, 0 है। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकला, लेकिन ये 3 में से ये 3 हटा दें तो इससे क्या बचेगा, Q² माइनस 14Q प्लस 111, ये आपको क्या आया, मार्जिनल कॉस्ट आया। देखिए अब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो बहुत सिंपल है, एम आर की इक्वल एम सी कर दीजिए। एम आर आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 100 माइनस 2Q, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 100 माइनस 2Q इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट क्या आपका, Q² माइनस 14Q प्लस 111, ठीक है। अब हम इसको सब इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाला सब हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे देखिए Q² माइनस 14Q प्लस 111, ठीक है। हम यहाँ करते हैं माइनस 100 और प्लस 2Q, ठीक है। यहाँ वाला सब इधर आ गया, मैंने कर दिया, सबको एक साइड करके अभी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो आपका 0 हो गया, फिर Q² का Q² ही रहेगा,
यहाँ पे प्लस 100 था, यहाँ पे माइनस 100 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 क्यूब था, यहाँ पे आके प्लस 2 क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यूब और प्लस 2 क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस 12 क्यूब। ठीक है, 111 में से 100 घटाइए तो कितना आएगा, प्लस 11, क्या है, प्लस 11। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए आप इसको तोड़ेंगे, इसको आपको ब्रेक करना है इसको, तो कैसे करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे आपका आया क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू प्लस 11। ठीक है, अब मान लीजिए क्यू स्क्वायर माइनस 11 क्यू माइनस क्यू प्लस 11। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे इसको ब्रेक करते हैं, 11 में से मान लीजिए एक प्लस, ये दोनों को प्लस करेंगे 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11। ठीक है, यहाँ पे 11 में 11 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 12, यहाँ पे 12 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक कर लिए हैं, हम लोग यहाँ पे लेंगे क्यू, ये हम लोग बाहर निकाल रहे हैं क्यू को, अब क्यू माइनस 11 माइनस यहाँ का साइन है, ठीक है, वो बाहर है, क्यू माइनस 11। ठीक है, ये हम लोग हो गया हमारा, देखिए q माइनस 11 यहाँ पर भी, q माइनस 11 यहाँ पर भी, ये माइनस q, ठीक है, इसको माइनस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा प्लस, ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या बचा, q माइनस कुछ नहीं मतलब कि 1 इज इक्वल टू 0 और q माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी 1 नहीं, इसलिए 1 को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, q माइनस 11, ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, q का वैल्यू क्या आ गया, प्लस 11। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखिए 3 ऑप्शन देखिए 11 है, मतलब आपका करेक्ट आंसर विल बी 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन में घबराना नहीं है और आपको आराम से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ लीनियर सप्लाई कर्व, ठीक है, तो आपने सप्लाई चैप्टर देखा है, आपको बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लीनियर सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, देखिए यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग ओरिजिन से जाएगा, मतलब ये आपका ये वाला आपका ओरिजिन होगा, ऐसे जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर आपके ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू है यूनिटी। क्या वैल्यू है, यूनिटी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी 1 यूनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और पिछले 4 दिनों से मैं कंसेप्ट वाला चैप्टर, मतलब कंसेप्ट डेली के कंसेप्ट सॉल्व करती थी, मतलब कंसेप्ट एक्सप्लेन करती थी, आज मैंने न्यूमेरिकल कर लिया, तो आप पिछले वाले वीडियोस में लाफर कर्व, कजनेट कर्व, वो सारे चैप्टर्स भी देखिए, एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।